मेरे साथ रची लाइव देख रहे हैं आप। लैंड फॉर जॉब मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर राउट रेवेन्यू कोर्ट आज गुरुवार को सुनवाई करेगा। दिल्ली के राउट रेवेन्यू कोर्ट सीबीआई द्वारा दाखिल चार्जशीट पर सुनवाई ले सकती है। इस चार्जशीट में लालू यादव और राबड़ी देवी को दो आरोपी बनाया की है। इस मामले में सीबीआई ने पिछले साल 18 मई को केस दर्ज किया था। सीबीआई के मुताबिक लोगों को पहले रेलवे में ग्रुप डी के पदों पर सब्स्टिट्यूट के तौर पर भर्ती किया गया और जब उनके परिवार ने जमीन का सौदा किया तो उन्हें रेगुलर कर दिया गया। सीबीआई की दूसरी चार्जशीट में लालू परिवार के अलावा रेलवे से जुड़े पूर्व अफसरों और कंपनियों को आरोपी बनाया गया है। जी हाँ, सिर्फ लालू परिवार ही नहीं बल्कि रेलवे से जुड़े पूर्व अफसर और कंपनियों को भी इसमें आरोपी बनाया गया है। चार्जशीट में लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव को आरोपी बनाया गया है। उनके अलावा पश्चिम मध्य रेलवे के पूर्व जीएम महीप कुमार, पूर्व सीपीओ मनोज पांडे और पीएल बनकर भी आरोपी हैं। साथ ही दिलचंद कुमार, ज्ञानचंद रॉय, हजारी रॉय, महेश सिंह, मोहम्मद धानी, हनीफ अंसारी, चतुर्धन रॉय, विश्वकर्मा रॉय, अशोक कुमार यादव, राम वृक्ष यादव और राजनाथ सिंह के अलावा एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड का नाम भी चार्जशीट में है। आरोप लगाया गया है कि 2004 से 2009 के बीच लालू यादव जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने लोगों को रेलवे में ग्रुप डी में सब्स्टिट्यूट के तौर पर भर्ती करने के बदले जमीनें ली। ये जमीन लालू यादव के अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर लिए गए। आरोप लगाया गया है कि बिहार के पटना के रहने वाले इन लोगों ने अपनी जमीनें लालू यादव के परिवार के सदस्यों और उनके सदस्यों के कंट्रोल वाली एक निजी कंपनी को बेच दी या गिफ्ट में दे दी। समझ रहे ना, गिफ्ट, तोहफा। चार्जशीट में सीबीआई ने बताया कि जांच के दौरान सामने आया कि जोनल रेलवे में सब्स्टिट्यूट की भर्ती के लिए कोई एडवर्टाइजमेंट या पब्लिक नोटिस जारी नहीं किया गया था। फिर भी पटना के रहने वाले इन लोगों को मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर में नियुक्त किया गया है। रिपोर्ट यही, तो रिपोर्ट के साथ होगी आपसे मुलाकात।